सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अजय और स्वागत है आपका एएसआर दिल्ली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो इंट्रो जो है थोड़ा सा चेंज हो गया, बट कोई नहीं, पहचानने वाले तो पहचान ही गए होंगे कि ये एएसआर दिल्ली का ही चैनल है, हमारे अजय भाई का ही चैनल है। तो अभी जो है सुबह सुबह राइड पे मैं निकल रहा हूँ, एक्चुअली राइड पे नहीं है, मैं जा रहा हूँ, एक छोटा सा इवेंट है, छोटा सा है शायद या पता नहीं, बड़ा सा ही रोज़ होटल में एक इवेंट है, वही शूट करने जा रहा हूँ। इतने दिनों से खाली खाली पड़ा हुआ था, 15-20 दिन से खाली पड़ा था, कोई काम धंधा नहीं था। कल मुकुल भाई का रात में अचानक से कॉल आया कि कल खाली है जे, तो आ जा, एक शूट है लॉरियल का, इवेंट शूट करना है हीरोज़ होटल में। तो मैंने कहा ओके भाई, आ जाऊँगा, नो प्रॉब्लम। और सुबह सुबह कुछ खाया पिया नहीं है, तो सोच रहा हूँ एक दो केले ही खा लो यार, है ना, सुबह सुबह जो है नाश्ता तो कर लो कम से कम केले खाकर। तो भैया, और भाई केले तो मिल गए हैं। एक तो इस बाइक में यार कुछ भी सामान रखने की जगह है नहीं। अरुण भाई वाले यार रिलेट कर पाएंगे इस बात से कि यार दिक्कत तो होती है। मैं सोच रहा हूँ लेट हो रहा हूँ थोड़ा सा, तो वहाँ पहुँच कर जो है लोकेशन पे उसके बाद ही खाऊं पीऊं, ज़्यादा सही रहेगा। तो सोच रहा हूँ इधर ही टांग दूँ यार, इकलौती जगह है बाइक में जहाँ पे कुछ आप सामान वामान शायद टांग सको, बस भगवान भरोसे है यहाँ से गिर ना जाए, अपनी ये भी कलेश हो जाएगा सुबह सुबह ही। ऑलराइट, जल्दी से पहन लूँ यार अपने ग्लव्स वगैरह, उसके बाद निकलता हूँ सीधा, नेहरू प्लेस जाना है। अगर जाम नहीं मिला तो 15 से 20 मिनट लगने हैं, और 9 बजे पहुंचने की टाइमिंग है। अभी मीटर में टाइमिंग देखो 8:23 हो रहे हैं। तो चलो निकलते हैं यार, और काफ़ी टाइम के बाद जो है बाइक राइड अपनी इस तरीके से कर रहा हूँ। तो यार सॉरी, मोटो ब्लॉग वगैरह मैंने थोड़ा सा जो है ना स्किप ही कर दिया था यार, होता है, मतलब घूमने का तो शौक है, अब ज़रूरी नहीं कि यार बाइक से ही घूमूं, है ना। बट मैंने बाइक ली इसी पर्पज से थी कि मैं मोटो ब्लॉग करूँगा, घूमूंगा फिरूंगा, मौज लूँगा, ये भी कंटिन्यू करेंगे, कोई बात नहीं। और मैं तो बिल्कुल खाली बैठा हूँ यार, वेडिंग सीजन बिल्कुल ऑफ है, और तो वेडिंग सीजन बिल्कुल ऑफ है, मतलब 15 फरवरी के बाद से ही ऑफ हो गया था, उसके बाद से खाली पड़ा था। काफ़ी वीडियोस वगैरह बना ली मैंने, आप लोगों ने देखी होगी चैनल पे, नहीं देखी है तो यार जल्दी से देख लो भाई, क्योंकि अब जिंदगी के ना कलेश नहीं कट रहे हैं ऐसा लग रहा है, मतलब इतने सारे कलेश हो चुके हैं ज़िंदगी में, मैं क्या ही बताऊँ। जब यूट्यूब रिस्पॉन्स कर रहा था मुझे, तब मैं थोड़ा सा फंसा गया था इधर उधर, और अब YouTube रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो मैं पूरी तरीके से लगा पड़ा हूँ, पता नहीं कब जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब कोई उम्मीद भी नहीं है। और एक तो यार ये अपने बंदों से ज़्यादा गिनती है, सालों ने सब्सक्राइब कर रखा, जानने वालों ने, वीडियोस देखते हैं नहीं भाई। एक चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें, अगर तुम इस वाली वीडियो को देख रहे हो तो ध्यान में रख लो, आज तुम नहीं समझ रहे, आज तुम नहीं देख रहे मुझे, कल को तुम्हारा भाई नहीं देखेगा तुम्हें, और ये बात मैं ठोक के कह रहा हूँ भाई, सच्चाई है, आज तुम नहीं देख रहे मुझे, कल को मैं भी नहीं देखूंगा भाई। इसलिए यार जो बंदा तुम्हारे साथ गाए कम से कम उसे तो सपोर्ट करो यार, देखो किसी तीसरे बंदे को नहीं कर रहे समझ में आ रहा है, लेकिन यार जिसे जानते हो, जिसके साथ तुम उठते बैठते हो, और मतलब बातचीत है तुम्हारी बचपन से जानते हो, जो भी है पिछले 6 महीने साल भर में जो लोग मिले हैं मुझे, मेरे दोस्त कलीग वगैरह, यार वो तो कम से कम सपोर्ट करने चाहिए यार, किसी नए बंदे से मैं क्या उम्मीद रखूंगा जब साथ के बंदे ही नहीं कर रहे, तो समझ रहे हो, तो बुरा लगता है यार बहुत सी बातों का ऐसी, लेकिन क्या बोलूं, आज मैंने बोली थी ब्लॉग में कोई बात नहीं, लेकिन बस अगर इस वाली वीडियो को देख रहे हो ना भाई, तो समझ जाओ, सुधर जाओ, क्योंकि एक चीज मैंने पढ़ी थी कहीं पे कि भाई वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में, इसीलिए भाई तुम भी समझो इस बात को। और अभी जो हम लोग आ चुके हैं अपोलो हॉस्पिटल के, जो ये मेट्रो स्टेशन है जसोला अपोलो, यहाँ पे पहुँच गए हम लोग, मतलब मैं पहुँच गया हूँ, सॉरी। हाँ चलो मेरे साथ आप लोग भी तो जा ही रहे हो यार। तो ये एक बेसिकली
इवेंट ही है, मतलब हमारी लाइन में इसे इवेंट ही शूट कहते हैं। एक दो था वेडिंग फोटोग्राफी जो मैं करता ही करता हूँ, और ऑफ सीजन में क्या है कि इवेंट वगैरह काम ऐसे मतलब कम मिलता है यार, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ कि मिले और उसके लिए पूरी कोशिश है। तो आज जो है बेसिकली एक इवेंट शूट करने ही जा रहा हूँ मैं। अच्छा पेट्रोल वगैरह बाद में डलवा लूँगा यहाँ पे आकर। तो पहुँचना ऑन टाइम है मुझे अभी, वैसे ज़्यादा लेट तो हुआ नहीं हूँ मैं, पहुँच जाऊँगा टाइम से ही। आई होप आवाज़ थोड़ी सी ना ठीक आ रही हो, क्योंकि यार कोई भी माइक वगैरह तो यूज़ किया नहीं है मैंने इसके लिए। यार माइक लिया नहीं मैंने, मैंने कहा मोटो ब्लॉग यार क्या ही करना है, इसीलिए मैंने माइक लिया नहीं। बट कोई नहीं, हाय हाय कितनी ज़्यादा नॉइज़ है यार यहाँ पे, बसों का नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है गाइस। अब तो वो इलेक्ट्रिक वाली जो बसें चली हैं वो यार बेस्ट करती हैं, मुझे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती भाई, मज़ा आ जाता है। और सुबह सुबह बस ये जाम वगैरह का कलेश ना रहे। यहाँ तो खैर कम है, नेहरू प्लेस की साइड ना मिले वरना दिक्कत हो सकती है बहुत ज़्यादा भाई। लास्ट टाइम की याद है मुझे बिल्कुल, यहाँ से थोड़ा आ गई एक क्लेश हो गया था मेरी ज़िंदगी में एक, क्या यार अब तो ऐसे क्लेश ही क्लेश हैं, क्या बोलूँ। मतलब लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मैं यहाँ से ऐसे सच्चे मन से जो है ना जा ही रहा था माता रानी के दर्शन करने के लिए कालका जी मंदिर, और ऐसा ही जाम जाम वाला माहौल था क्योंकि यहाँ पे रहता ही है बेसिकली। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आगे एक यू टर्न पड़ता है इसी रोड पे, तो वहाँ पे जाने से जस्ट पहले क्या हुआ कि ऐसे ही मतलब पैरेलल पैरेलल जा रहा था, इधर गाड़ी थी इधर गाड़ी थी, मैं बीच में बाइक लेके एकदम सीधे सीधे वही 10-12-15 की स्पीड होगी हद से यार। तो क्या किया एक ना जो राइट साइड में मेरे कार वाला चल रहा था उसने यार देखा ना धाखा, एकदम से लेफ्ट में काट दे, जबकि उसके ना लेफ्ट साइड में मैं चल रहा था ऑलरेडी, मैं धीरे धीरे ही चला रहा था बाइक, उसने एकदम से मोड़ दी तो इधर राइट साइड में मेरे टकराई, और फिर मैं इधर डिसबैलेंस हो ही रहा था इतने में एक और बंदे ने इधर से भी मार दिया मेरे लेफ्ट साइड से भी। तो जो है मेरा ना यार एयर लीवर जो है वो पूरा ऐसे टेढ़ा हो गया था, और उस दिन मैं बड़े सच्चे मन से जो है कालका माता के दर्शन करने के लिए जा रहा था, रास्ते में ये वाला क्लेश हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि यार दर्शन भी नहीं कर पाया मैं, उल्टा यहीं से वापस चला गया। हाँ तो यार मुझे लग रहा है भगवान भी थोड़े गुस्सा वगैरह हैं, तो मनाने की तो पूरी कोशिश है कि भाई मान जाओ, बच्चे तुम्हारे ही हैं भगवान, अब मान जाओ तो अच्छी बात है, अरनी तो काटनी तो है ही ज़िंदगी, आपने जैसी ज़िंदगी दी है काटनी तो है ही हमें, आप चाहोगे तो अच्छे से काटेंगे अच्छे से जिएंगे मौज लेंगे, और नहीं चाहोगे तो भैया आप तो वही दाता दानी जो भी है आप ही दोगे आप ही करोगे। बस यहाँ पे जाम ना मिले भाई, लग नहीं रहा कि जाम है। सुबह सुबह का टाइम है, मतलब अभी जॉब का टाइम तो है लेकिन वो वाला टाइम नहीं है, बिल्कुल 9 बजे जो जॉब का टाइम हो जाता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड हो जाता है, उस टाइम पे ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है रोड पे। लेकिन अभी क्या है कि 8:30 बज रहे हैं, 8:31 हो रहा है, मेरे मीटर में दिखा रहा है गाड़ी के, ओखला NSICI के। जय माता दी जय माता दी। ऑल राइट तो भैरव बाबा के भी दर्शन कर ही लेते हैं, जय बाबा भैरवनाथ, दूर से ही प्रणाम कर लिया यार क्या करें।
भाई मुझे लग रहा बहुत ही ज्यादा कम टाइम में मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे। एरोज होटल इसके पीछे ही होना चाहिए, देविका टावर के पीछे ही है शायद एरोज होटल, याद नहीं है ठीक से मुझे। रेड लाइट रेड लाइट रेड लाइट, पास आना तेरा, दूर जाना मेरा। ओके वाह, मेरे आते ही रेड लाइट भी ग्रीन हो गई, क्या बात है। किसी किसी चीज को लेके किस्मत तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ चीजों को लेके किस्मत खराब हो जाती है कभी काल। तो भैया आज का ज्ञान कुछ ऐसा है कि मैंने कहीं पे पढ़ा था, मतलब पढ़ी हुई चीजें ही बता रहा हूँ आपको, कि खुश रहना भाई उस बात को लेके कि माँ बाप ने जितना दिया आपको, जो भी दिया काफी है, क्योंकि उनसे जितना हो पाया ना उससे ज्यादा उन्होंने आप लोगों को दिया है। और इस चीज की कभी टेंशन मत लेना कि यार उन्होंने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं किया मेरे लिए, ऐसी एक्सपेक्टेशंस मत रखो भाई उनसे, क्योंकि ये सच्चाई है, उन्होंने आपको उतना दिया है जितना उनके बस की भी नहीं थी, उन्होंने अपने आप से बढ़कर ही दिया है आपको। और जो भी करना है आप खुद भी तो कर सकते हो, है कि नहीं। कहाँ पे जाएंगे? लॉरियल का शो है, कहाँ पे? ठीक है ठीक है, बता तो दिया उन्होंने। ओके तो हीरोज होटल के अंदर तो खैर पहुंच चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे पार्किंग में जा रहे हैं शायद। हाँ चलो बाइक तो यहाँ पे पार्क कर देता हूँ, उसके बाद चलते हैं। एक बार पूछ लूँ मैं क्या सीन है कि नहीं। हीरोज होटल का वो क्या कहते हैं लॉरियल का, जहाँ से आप रैंप से अंदर को आए हो। हाँ हाँ ना, सीधा रैंप से ऊपर चले जाओ। अच्छा 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 ठीक है थैंक यू सो मच। सॉरी अच्छा अभी यहीं रख दूँ मैं, चलो यहीं रख देता हूँ। ओके तो यहाँ तो बाइक हो चुकी है पार्क, वैसे सोच रहा हूँ कि खा पी लूँ थोड़ा सा। अच्छा लाइट है यहाँ पे थोड़ी सी, तो एक बार ना अपना ना यार आउटफिट दिखा दूँ आप लोगों को, हाउ आई एम लुकिंग टुडे बेबी। जस्ट वेट। ऑलराइट तो तुम्हारा भाई ब्लैक शर्ट में कैसा लग रहा है? देखो ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट ऑल ब्लैक आउटफिट यहाँ पे कंपलसरी था, मतलब जो भी शो वगैरह हो रहा है उसमें फोटोग्राफर्स की जो है आउटफिट की जो है यही थीम थी, मतलब ऑल ब्लैक उन्हें जाना था। तो तुम्हारा भाई भी ऑल ब्लैक हो चुका है अभी, वैसे धूप पे थोड़ा सा वो ही है क्या कहते हैं, अरे फेस वॉश चिपका हुआ है इसलिए थोड़ा साफ सुथरा सा लग रहा, बाकी तो मुझे ऊपर कर ला। हाँ बाकी अभी देखते हैं फटाफट से केले वगैरह खा के निपटूँ, और मैंने बात कर लिया मुकुल भाई से, उन्होंने बोला कोई बात नहीं आराम से आ, अभी वैसे कोई जल्दी नहीं है, लेट नहीं हो रहा कुछ भी, तो मैं जस्ट खा पी के अभी निकलता हूँ ऊपर, आपको ऊपर का सीन दिखा दो क्या सीन।